रहो, माला पकड़े रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। अभी मैं मौजूद हूं रोहतास जिले के सासाराम हनुमान मंदिर में, जहां प्रेमी जोड़े ने अभी अभी शादी की है। हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार के नियम अनुसार कोई भी व्यक्ति शादी कर सकता है अगर वो नाबालिग ना हो तो। और यहाँ लड़की की क्या एज है, क्या मजबूरी है कि ये दोनों आके मंदिर से शादी किए हैं, हम इन दोनों से ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अलका कुमारी। आपका क्या नाम है? संजीव कुमार। क्यों आप लोग मंदिर से शादी किए? मंदिर से घर पर लोग राजी नहीं था। क्या कारण था कि राजी नहीं थे? मतलब दबाव कर रहे थे पूरी तरीके से, जानते थे लोग। हाँ। बताए थे सारी बातें घर पे। क्या बताई थी आप? कि हम इनसे शादी उदी करना चाहते हैं। मैंने इनसे मिलाया भी फैमिली को, इन फैमिली वहाँ पे जाकर होटल में, एक होटल में मिलाए थे घर, वहाँ पे लोग वहाँ पे जाकर मान गए, घर पर है फिर लोग पलट गए, बोले कि अब नहीं होगी इनके। कौन पलट गया? मेरे मम्मी पापा, मतलब फैमिली लोग थे वहाँ पे लोग। तो आपने पूछा नहीं मम्मी पापा से कि मिलने के बाद, सारी बातें करने के बाद पलट क्यों गए? पूछा था मैंने, तो भी लोग बोला कि नहीं अब नहीं होगी, नहीं होगी। जिद पकड़ ली थे लोग कि नहीं। मम्मी पापा दोनों ही तैयार नहीं थे? नहीं नहीं तैयार थे। आपके यहाँ की क्या माहौल थी कि आपको आके मंदिर में शादी करना पड़ा? मेरा यही वजह था, हम इसको, मेरा जो कारण था, हम इससे पहले से हम 3 साल से जान रहे हैं। 3 सालों से इनको जानते हैं। कैसे मिले आप लोग, कैसे जानते हैं इनको? हम लोग तो गए कॉलेज के समय पर इनको जान रहे हैं। कैसे जानते हैं कुछ बताइएगा उसके बारे में, कैसे जान पहचान बनी, बातचीत कैसे शुरू हुई कि ये कंडीशन आपने डिसाइड किया कि हमें फाइनली साथ रहना है, शादी करना है? इसका फाइनली जवाब ये है, ये हर इसमें हर दुख में थी। हम इससे मैंने हम खुद इसके पास आकर मैंने पूछा था क्या बात हुआ है। फिर इनको हमसे बोली थी, हम मेरे साथ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं घर से, हम इससे फैमिली तक भी मिल चुके हैं, यही बात है। आज आपने कन्विंस करने की कोशिश नहीं की फैमिली को कि आप मान जाइए? किए थे लेकिन लोग नहीं माने। पूजा, मेन प्रॉब्लम क्या था? मम्मी पापा ने बताया होगा ना, कुछ तो प्रॉब्लम होगा जिसके कारण वो शादी नहीं करना चाहते थे इनके साथ। फैमिली प्रॉब्लम, लोग दबाव कर रहे थे, बोले थे कि तुम्हारी अच्छे से कहीं और शादी करा रहे। मैंने घर में इनके बारे में बताया लेकिन वो लोग इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। कहाँ की रहने वाली हैं आप? ये न्यू दिल्ली लाला कॉलोनी। आप कहाँ की रहने वाली हैं? वहीं पे रहते हैं, डेयरी न्यू दिल्ली लाला कॉलोनी। दोनों के एड्रेस सेम है? नहीं, इनके इन। आप कहाँ के रहने वाले? ये सासाराम से रहने वाले। सासाराम के रहने वाले हैं। कास्ट क्या, आप दोनों सेम कास्ट के हैं? नहीं, श्रीवास्तव है। आप श्रीवास्तव? आप? हम शर्मा जी हैं। आप शर्मा जी हैं। अभी शादी करके कहाँ लेके जाएंगे इनको आप? हम इसको घर पर लेके जाऊंगा, अपने घर पे लेके जाएंगे। आपकी फैमिली सपोर्ट में है? मेरी फैमिली सपोर्ट में था, अभी तो फोन कोई नहीं उठा रहा, तब तो मेरे घर पे आप कांटेक्ट नहीं कर पाए कि आपने शादी कर लिया है? नहीं, अभी आपके घर में किसी को नहीं पता? सबको पता है, मम्मी को भी पता है। डर नहीं लग रहा है अंदर से जाएंगे तो क्या माहौल होगा? हम चोरी तो किए नहीं है, नहीं डकैती किया हूँ। तो आगे जो भी समस्या होगा लड़ने के लिए तैयार है? मैं हूँ। प्रशासनिक आपको हेल्प मिली है कहीं से? कहीं से हेल्प नहीं दी है। पुलिस ने भी आपकी हेल्प नहीं करी? हेल्प नहीं किया। आप गए थे? यस। क्या बोला उन्होंने? उसने बोला आप 21 साल लड़की, 21 साल की होगी है, आप 25 साल के हैं, आप लोग अपने से खुद से शादी कर सकते हो, ऐसा प्रशासन ने आपको बताया? आपकी, उनका नाम है अजय कुमार सिंह। आपकी डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुई थी वहाँ पे? जी। तो उन्होंने कहा कि आप नाबालिग नहीं है तो जाके शादी कर सकते, तो आपने डिसीजन लिया कि हम दोनों साथ रहेंगे, शादी करेंगे? जी। चलिए, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि प्रेमी जोड़ों ने बताया कि इन लोग का डिसीजन था कि हम लोग साथ रहेंगे, फाइनली शादी करेंगे। ये पुलिस स्टेशन भी गए थे, वहाँ इनकी डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुई थी। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद फाइनली प्रशासन ने भी ये कहा कि आप नाबालिग नहीं हैं तो आप जाके किसी भी मंदिर से शादी कर सकते हैं। तो इन्होंने रोहतास जिले के जिला मुख्यालय यानी कि सासाराम के हनुमान मंदिर से दोनों जोड़ों ने शादी कर लिया। शादी करने के बाद लड़की का कहना है कि मैं अपने घर ले जाऊँगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लड़की के घर में भी किसी को पता नहीं है कि इन्होंने इतनी बड़ी कदम उठा ली है। धन्यवाद। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।